कौआ और कोयल, दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौए ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम काय को लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू लाके दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जित्य आस्था चैनल पे कथा सुन रहा है, तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जिमने भी आए और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा जा। इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले, तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई ना, कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ, ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया, मोबाइल दिला दिया। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौए ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौए ने गाली दी हो, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला कभी? नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है, तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए।